Evet, man. बार बार अपने मन को संकल्प दो, मैं वाणी से पार हूं, मैं वाणी से पार हूं, मैं वाणी से पार हूं। चलते फिरते भी मन को याद करवाते रहें, उसकी मंजिल तो मन कर्म करते भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाएगा। संसार की आवाजें खींचना बंद कर देंगी। मैं अव्यक्त फरिश्ता, मैं वाणी से पार हूं। और फील करना है कम से कम संकल्पों के साथ हम कार्य व्यवहार कर पा रहे हैं। मैं वाणी से पार हूं। अब आवाजों के
अभ्यास से दूर अव्यक्त के अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं हम। संपूर्णता की ओर आत्मा वाणी से दूर जाती है। अब मन कर्म बंधन मुक्त होता होता इस संसार से परे चले जाना चाहिए। स्वयं को अखंड योगी महसूस करें, चलता फिरता भी मस्तक की भ्रुकुटी में बैठा हुआ अखंड योगी, जिसकी तपस्या अब खंडित नहीं हो सकती।
ओम शांति। क्या अनुभव कर रहे हैं आत्मा? या चलते फिरते निरंतर अपने आप को योगी महसूस कर रहे हो, स्मृतियां शक्तिशाली हो रही है, बस अब निरंतर योगी बनने का लक्ष्य हो, हर पल बाबा के प्यार में समाये हुए कर्म करते चलो। देह और देह की दुनिया से तार तोड़ते चलो। हमने ही बनाए थे कर्म बंधन, अब हमें ही तोड़ने हैं। देहधारियों की तरफ ध्यान मत दो ज्यादा, कौन क्या कर रहा कौन क्या नहीं कर रहा। आसमान की ओर देखो, बाबा क्या कर रहा। वो इस घड़ी भी, तुम जहां कहीं भी हो, वो इस घड़ी भी तुम्हें प्यार दे रहा है।
गुलजार दादी जी के हॉस्पिटल में हैं। अंकित भाई, दादी जी का हाल सुनाओ सभी को। क्या समाचार है? सभी मनसा सेवा कर रहे हैं। अच्छा, दादी का समाचार दे रहे हैं। दादी जी के लिए सभी मनसा सेवा करें। बाबा के रथ ने हमारी इतनी सेवा की है, शुभ भावनाएं दें।
बाबा के अवैत महावाक्य सुनो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को देखो। सर्वसमर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में देह का भान भी आता है। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। समर्पण बने हो, मर गए हो या मरते रहते हो, देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। यह देह का भान बिल्कुल टूट जाए तब कहेंगे समर्पण में जीवन।
देह का भान भी टूट जाए। तब कहेंगे संपूर्ण समर्पण। मस्तक में बिंदी और देह के चारों तरफ प्रकाश का फरिश्ता, बस न अपनी चमड़ी दिखे न दूसरों की दिखे, बस फरिश्ते बनकर कर्म करके देखो। निरंतर याद रहे मैं परम धाम से आई हुई आत्मा हूं, ये अंतिम जन्म है और अंतिम जन्म के अंतिम दिन चल रहे हैं।